पार्लियामानी व असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के लिए सियासी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से अपनी तंजीम को मजबूत करने और पार्टी में नई जान फूकने के लिए नई जिम्मेदारियां और ओहदे तकसीम किए जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की नांदेड़ शहर व जिला बॉडी की असरनो तश्कील अमल में आई और कई कारकुनान को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तफवीज की गईं। इन्हीं नौ मुंतखब ओहदेदारान को तहनीत पेश करने के लिए जिला परिषद मेंबर और धनीगांव के सरगर्म कांग्रेसी लीडर मनोहर गणेशराव पाटिल शिंदे की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब की सदारत धनीगांव के सबक सरपंच और सीनियर कांग्रेसी लीडर भुजंगराव भालके ने की, जबकि मेहमाना ने खसूसी के तौर पर एमएलए डीपी सावंत, डिप्टी मेयर विनय गिरडे पाटिल, पंचायत समिति के नुमाइंदा चेयरमैन मोहम्मद फहीम, जिला परिषद सदर गंगा प्रसाद काकड़े, भीमराव कल्याणे, वाजेगांव के सरपंच जमील अहमद अमीर हमजा, बलीरामपुर के सरपंच अमूल गुड़बोले, एडवोकेट शकील, धनेगांव के सरपंच दिलीप गजबारे व दीगर ने शिरकत की। डीपी सावंत और दीगर मेहमानान के हाथों कांग्रेस के नौमुंतखब ओहदेदारान, कांग्रेस सेवादल शहर सदर आनंद गुंडले, कांग्रेस ताल्लुका सदर एडवोकेट नीलेश पावड़े, नायब सदर गंगाधर शिंदे, शहर सदर विठल पावड़े, युवा कांग्रेस के जिला सदर पप्पू पाटिल गोंडेकर, नांदेड़ जुनूब हल्का असेंबली के सदर अब्दुल गफ्फार, नायब सदर बाबू पाटिल तिड़के व दीगर की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इनको तहनीत पेश की गई। डीपी सावंत ने अपने खिताब में तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान को नसीहत की कि कांग्रेस को दोबारा बरसर इख्तदार लाने और अशोकराव चौहान को फिर से वजीर आला बनाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहसन खूबी निभाते हुए तन मन धन से जुट जाएं। मनोहर पाटिल शिंदे ने अपने खिताब में आज़म जाहिर किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में नांदेड़ शुमाल और जुनूब की दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। एडवोकेट शेख शकील ने निजामत के फरायज अंजाम दिए। नांदेड़ ज़िले में कांग्रेस पक्ष के जो पदाधिकारी की कई जगहें रिक्त थी, परसों अशोकराव जी चौहान साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष खासदार साहब जब आए थे तब उन्होंने सेवा दल के अध्यक्ष हमारे आनंदराव गुंडले नांदेड़ तालुका और सभी तालुका के अध्यक्ष डिक्लेयर किए। उसमें नांदेड़ तालुका में एडवोकेट नीलेश पावड़े और सेवा दल के अध्यक्ष कर उन्होंने आनंद जी गुंडले और नांदेड़ तालुका उपाध्यक्ष धनेगांव के उपसरपंच हमारे शिंदे इनकी अपॉइंटमेंट की है और उनका आज सत्कार यहाँ पर धनेगांव ग्राम पंचायत में रखा था, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। नांदेड़ के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ते मेरे साथ यहाँ थे। आने वाले दिनों में लोकसभा हो या इलेक्शन या विधानसभा हो, कांग्रेस की जो नीचे की यंत्रणा जो है, कार्यकर्ताओं की जो मोट है वो अच्छी तरह से हो, इसलिए हम सब काम को लगे हुए हैं। बूथ कमेटी से लेकर इसका कार्य शुरू हो गया है और नांदेड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता अब घर घर पहुँच कर इस साढ़े चार साल के सरकार बीजेपी सरकार का जो अपयश है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर काम करने वाले हैं और ये परिवर्तन की शुरुआत है। 2019 में ज़रूर कांग्रेस का यूपीए की सरकार यहाँ देश में बनने जा रही है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार ज़रूर बनेगी, ये हमारा हमको यकीन है। आमचे नेते अशोकराव जी चव्हाण साहेब आजच्या सभेचा जे कार्यक्रम आपण आयोजन केला होता, पूर्ण सर्कलच्या कार्यकर्त्याचं म्हणणं होतं की नवीन तालुका जिल्हा युवा जिल्हाध्यक्ष युवा तालुका प्रमुख फादर बॉडी तालुका प्रमुख उपतालुका प्रमुख पिंटू पाटील आमच्या धनेगावचे दहा वर्षापासून उपसरपंच आहात, आता त्याची नवीन निवड झालेली आहे उपतालुका प्रमुख म्हणून। या सर्व तालुका प्रमुखाचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि पुढील काम करण्याकरता यायला एक ताकद मिळावा हेच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि येणारे आपले भविष्यात अशोकरावजी चव्हाण साहेबच मुख्यमंत्री होणार आणि या दक्षिण विभागामध्ये शिवसेनेचे आमदार 100% फेल झालेले आहेत, त्याच्यामुळे येणारे आमदारसुद्धा आमचे काँग्रेसचेच येणार आहात। जे कोणी साहेब देतील त्याला आम्ही 100% आमची जनता 100% एका मनानं आणि एका विचारानं त्यांना निवडून देतील, एवढीच मी सर्व जनतेकडून अपेक्षा करतो। आदरणीय माजी मुख्यमंत्री तथा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण साहेब यांनी जे नवीन पदाधिकारी निवड केली जिल्हा फादर कमिटीची आणि आपले युवक काँग्रेसची, त्यांचा सत्कार आज धनेगाव नगरीत मनोहर पाटील शिंदे यांनी आयोजित केला होता आणि नांदेड काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष म्हणून मला जी संधी दिली मनोहर पाटील शिपणसर, आम्ही नांदेड दक्षिणमध्ये काँग्रेस बळकटीकरणाचं काम करू व काँग्रेस मजबूत करू आणि इथं पुन्हा नांदेड दक्षिणला काँग्रेसचा आमदार आणू, एवढीच मी ग्वाही देतो।